बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मनशा इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज हम एमडी कैट का जो टॉपिक नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो एमडी कैट में था बायोडायवर्सिटी, उसका इससे पहले हमने लेक्चर लिया जो बेसिक डिस्कवरी ऑफ वायरस है उसके ऊपर। तो आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो वायरस के जो बेसिक करेक्टर्स हैं और इनमें से जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, वायरसेस जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से विजिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि बैक्टीरिया से भी 1 से 1000 गुना छोटे होते हैं। और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन के ज़रिए से अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और होस्ट के अंदर ही करेंगे। होस्ट के बगैर ये खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, खुद से ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स हम सबको पता है कि ये बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके अगेंस्ट हम ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका साइज़, 250 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक ये रेंज है इसकी। तो मैक्सिमम पॉक्स वायरस का 250 नैनोमीटर साइज़ होता है, और जो मिनिमम 20 नैनोमीटर पेरवो वायरस का साइज़ होता है। और इसी तरह से इनके साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया से पहले ही हमने देखा कि 1 to 1000 टाइम जो है वो स्मॉलर होते हैं। आगे कुछ दो एमसीक्यूज हैं, ज़रा ये देखिएगा। विच ऑफ़ द फॉलोइंग डू नॉट हैव फॉसिल रिकॉर्ड, तो इनमें अल्फा ऑप्शन है प्लांट, बीटा ऑप्शन है एनिमल, चार्ली ऑप्शन है बैक्टीरिया, और डेल्टा ऑप्शन है वायरस। तो फॉसिल का रैकेट प्लांट का भी मौजूद है, एनिमल का भी है, बैक्टीरिया का भी है। ये जो वायरसेस हैं इनका फॉसिल रैकेट हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर अभी कंसिडर कर रहे हैं। कुछ इसके करेक्टर लिविंग जैसे हैं, कुछ नॉन लिविंग जैसे हैं, तो ये वायरसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश मेजर ब्रेक थ्रू टू अंडरस्टैंड वायरस। वायरस को समझने के लिए जो पिछली हमने लेक्चर में देखा हिस्ट्री, उसमें जो मेजर ब्रेक थ्रू था, जो सबसे बड़ी वजह थी, जो मेन हमारे पास एक आप कह लें ज़खीरा आया इंफॉर्मेशन का, जिसके बाद हमने कहा कि वायरस जो है ये इस तरह से डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत हेल्प मिली, वो प्योरीफिकेशन थी या करेक्टराइजेशन थी या क्रिस्टलाइजेशन थी या आइसोलेशन थी। तो क्रिस्टलाइजेशन, जब स्टेनले ने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, तो उसके बाद इसकी नेचर हमें समझ आई कि ये डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होता है और उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग होती है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हमने वायरस को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो मज़ीद काम जो है वो शुरू हो गया। और नेक्स्ट कुछ कहता है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जैसे करेक्टर होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर लिविंग करेक्टर्स की बात करेंगे कि जिसकी बिना पर हम इनको लिविंग कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये डिफरेंट वैरायटी और स्ट्रेन्स में पाया जाता है, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हर जो वायरस है वो शेप में, वो साइज़ में डिफरेंट होता है, और होस्ट की बिना पर भी डिफरेंट होता है। और इसी तरह से इसका अपना जेनेटिक मटीरियल होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए होगा, और ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। इसके पास अपनी बायो सिंथेटिक मशीनरी नहीं है, बल्कि ये यूज़ किसको करेगा, जब होस्ट के अंदर जाएगा उसके सेल को, उसके मशीनरी को, उसके एंजाइम्स को यूज़ करेगा। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा पैरासाइट है जो टोटली डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेट टोटली होस्ट के बगैर रह ना सके, टोटली होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट पैरासाइट है। और सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, ये बड़ा अहम है कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं या इंट्रा, तो सिर्फ इंट्रासेलुलर ये पैरासाइट है, सेल के अंदर जाके ये एक्ट करता है किसी भी होस्ट में। और डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं इसकी मदद से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये भी बड़ा अहम एक पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। और उसके बाद ये वही बात है कि लैक इंजाइम सिंथेटिक सिस्टम, अपना इंजाइम बनाने के लिए खुद से इसके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई राइबोसोम या कोई इस तरह की ऑर्गेनल जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कोई और ऑर्गेनल मौजूद नहीं है, बल्कि वो सारी ऑर्गेनाइज़ जो है वो होस्ट की यूज़ करता है ये। इसी तरह से हमने ये कहा कि कैन बी क्रिस्टलाइन एंड स्टोर्ड, ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है, मोलेकुलर जो
फार्म में और दूसरा इसको स्टोर भी किया जा सकता है। इसी वजह से हमें इसको समझने में बड़ी मदद मिली थी। और ये रेस्पिरेशन नहीं करता, ये नॉन लिविंग का करैक्टर आप कह लें लिविंग के बाद, कि रेस्पिरेशन नहीं करेगा और इनर्ट फॉर्म में है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, बीमारी पैदा करेगा, एक से दूसरे में फैलेगा, एक सेल से दूसरे सेल में और किसी वेक्टर से मीडियम के ज़रिए से या आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनमें ऊपर कोई आप कह लें अंदर जेनेटिक मटीरियल नहीं है, ऊपर कोई इन्वेलप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल जो ख़ास किस्म के मटीरियल हैं उनको भी वायरसेस कह सकते हैं। और ये इंसान के अंदर ब्रेन इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स, और काओ और इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी ये डिफरेंट किस्म की अजीबोगरीब बीमारियां पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वायराइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए वायरस है, यानी कि इसका टोटल जो कलेक्टिव कंपोनेंट है वो आरएनए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और उसके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं है। और प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ये डिजीज़ काज करता है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा आता है। वायराइड जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और एक होता है वायरियन, ये है आरएनए या डीएनए, उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग हो, उसके ऊपर इन्वेलप भी हो सकता है, मेच्योर जो फुली इन्फेक्शियस वायरस है उससे वायरियन, और अगर सिर्फ आरएनए है उसे वायराइड, और सिर्फ प्रोटीन है तो वो प्रियॉन्स कहलाता है।